हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, एनसीईआरटी का हमारा सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, और इस सीरीज का ये हमारा 10वां भाग है। इससे पहले 9 पार्ट 9 भाग जो है वो अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह, और इस वीडियो में हम लोग गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी का सीरीज जो आ रहा है वो टॉपिक वाइज सीरीज आ रहा है। हर टॉपिक से मैं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूं। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग गुप्त काल से संबंधित एमसीक्यूज देख चुके हैं, ये गुप्तोत्तर काल का है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग क्या है, इसके बाद हम लोगों को चुनना है कि इनमें से कौन सही है। ओके, तो पहला है, ईसा की पहली और दूसरी सदियों में उड़ीसा के बंदरगाह में मोती, हाथी दांत और मलमल का अच्छा व्यापार चलता था। क्या ये सही है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ईसा की पहली और दूसरी सदियों में उड़ीसा के बंदरगाह में मोती, हाथी दांत और मलमल का अच्छा व्यापार चलता था, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी के स्थल पर शिशुपालगढ़ के जो खुदाई हुई उसमें रोम के कई वस्तुएं मिली है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद है, प्राकृतिक ग्रंथ गौरवों में किसके कार्यों का वर्णन है, और इसमें टोटल 20 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। 20 में से आपने कितना सही किया है, कितना आपका राइट हो रहा है, वो आप लोग लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी एक आइडिया लग सके कि हमारी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो ग्रंथ है गौरवों में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है, तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी, यशो वर्मन के बारे में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, यशो वर्मन के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, यशो वर्मन के शासनकाल की घटनाओं का के विषय में हमें जो है, इसके राज दरबारी थे एक जिनका नाम था वाक्पति। ओके, इन्हीं के द्वारा ये लिखा हुआ ग्रंथ है गौरवहो, और ये जो है वो प्राकृत भाषा में है। ओके, ये प्राकृत भाषा में है, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, तो इससे हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें वर्धन राजवंश के प्रवर्तक के रूप में पुष्यभूति का उल्लेख किया गया है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षचरित्र। अब देखिए, हर्षचरित्र के बारे में भी आपको बताता हूँ। हर्षचरित्र की रचना जो है वो बाणभट्ट के द्वारा किया गया था, और यह जो है वर्धन वंश के इतिहास का सबसे बेटर सोर्स है, स्रोत है, और इसमें टोटल 8 अध्याय हैं। इस 8 अध्याय में 3 जो अध्याय है, प्रथम 3 अध्याय इसमें बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी है, बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा इन 3 में लिखी है। बाकी जो 5 और बच गया, इसमें जो है वो सम्राट हर्षवर्धन का जीवनी जो है वो लिखा गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सही मेल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, हर्ष नागानंद, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन, भोग मानसोलास और बालाल सेन दानसागर। अब इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी, भोग मानसोलास। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी। ओके, ये कौन कौन था, प्रियदर्शिका। ओके, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा हुआ है। और एक है महेंद्र वर्मन। ओके, महेंद्र वर्मन के द्वारा जो रचित है हास्य ग्रंथ है, ये है मत विलास प्रहसन, ये आपको याद रखनी है।
इसके बाद जो है सेन वंश के शासक थे बालाल सेन। ओके, बालाल सेन, इन्होंने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की थी। याद रखना है ये दान सागर, एक और है अद्भुत सागर। तो सागर संबंधित जो भी है, दान सागर और अद्भुत सागर, ये बालाल सेन के द्वारा लिखा हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, और कल्याणी के जो चालक चालुक्य वंशी राजा थे, इन्होंने जो है इसमें जो है वो सोमेश्वर नामक शासक ने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र की रचना की थी। तो ये जो है वो भोग नहीं होगा। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षर नामक टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मिताक्षरा जो टीका है, न तो भोज, नहीं पुनर्भू, न तो मेघातिथि, इन तीनों में से किसी ने भी इसकी रचना नहीं की है। इसकी रचना जो है वो विज्ञानेश्वर ने की है। विज्ञानेश्वर, इनके द्वारा मिताक्षरा की रचना की गई है, तो ये आपको याद रखनी है। और मेघातिथि के द्वारा जो लिखा हुआ है वो है मनुस्मृति। ओके, मनुस्मृति पर टीका लिखा गया है मेघातिथि के द्वारा। धर्मपाल द्वारा स्थापित सोम विहार महाविहार कहाँ स्थित है? सोम विहार महाविहार जो है वो कहाँ स्थित है, ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहाड़पुर में। ओके, पहाड़पुर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, देखिए बंगाल के पाल वंश के शासक थे ये धर्मपाल, और इनको जो है वो उत्साही बौद्ध शासक भी कहा जाता है, उत्साही बौद्ध शासक। और लेखों में इन्हें जो है वो परम सौगात के नाम से भी जाना गया है, परम सौगात भी इनको कहा गया है। और इन्होंने विक्रमशिला जो है वो भागलपुर में है। ओके, विक्रमशिला और सोमपुरी ये पहाड़पुर में है। यहाँ पे प्रसिद्ध विहारों की स्थापना जो है इन्होंने करवाई थी, तो ये याद रखेंगे। उत्तर गुप्तकालीन अभिलेखों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन राजस्व से संबंधित है? इनमें से कौन जो है वो राजस्व से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। भाग, भोग, उद्रंग, उपरी कर, ये सभी जो है वो टैक्स से संबंधित है। उत्तर गुप्तकालीन में अभिलेखों के द्वारा ये हम लोगों को मिलता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं, भाग और भोग, इसके अतिरिक्त जो है वो गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उपरी कर, जैसे टैक्स का भी कर का भी उल्लेख हम लोगों को मिलता है। उद्रंग जो है वो राज को दिया जाता था, ये जो है उद्रंग ये राज्य को दिया जाता था, और ये जो है राजा भूमि का मालिक माना जाता था, और वह भूमि के उत्पादन से एक भाग 1/6 भाग जो होता था, 1/6 1/6 भाग, इसका अधिकारी होता था, और इस कर को भाग कहा जाता था। याद रखेंगे, इसी कर को भाग कहा जाता था। और राजा को प्रतिदिन जो टैक्स मिलता था, जो कर मिलता था, उसमें फल हुआ करता था, फल फूल सब्जी ये सब जो हुआ करता था, इसको जो है वो भेंट या भोग कहा जाता था, भेंट भोग ये कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है कल्हण की राज तरंगिणी की रचना कब हुई थी? 11वीं शताब्दी, 10वीं या 14वीं में? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज तरंगिणी की रचना जो है वो 12वीं शताब्दी में की गई थी, तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब राज तरंगिणी जो है वो किसके द्वारा रचित है, ये भी आपको जानना जरूरी है, प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। ये कल्हण के द्वारा लिखा हुआ है। ओके, कल्हण के द्वारा ये राज तरंगिणी लिखा हुआ है, कल्हण ऐसे लिखाता है। अब देखिए इसमें जो है कश्मीर के शासकों का इतिहास का वर्णन जो है इसमें किया गया है, और इसका विवरण जो है इसमें जय सिंह जो शासक थे इनके शासन के साथ ही ये समाप्त हो जाता है, राज तरंगिणी का चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है,
किस भगवान को, किन भगवान को ये समर्पित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवान शिव को ये राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। तंजौर का, तंजौर में है ये राजराजेश्वर मंदिर, या इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये शिव का मंदिर है और इसका निर्माण जो है वो करवाया था राजराज प्रथम ने, राजराज प्रथम इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यह मंदिर जो है वो चोल काल के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा और सबसे बेस्ट वास्तुकला का उदाहरण है। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिवर्सित शब्द का संबंध था, अनिवर्सित इस शब्द का मतलब क्या था यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब अनिवर्सित क्या था मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। देखिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, यह मैंने आपको बताया है, और इसमें शूद्रों के दो भेद बताए हैं। एक बताया है निर्वासित, निर्वासित, और एक बताया है अनिर्वासित, ओके अनिर्वेशित। तो ये जो है अनिर्वासित ये दलितों से संबंधित है, शूद्रों से संबंधित है, ओके। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है रोमन समाज के विपरीत प्राचीन भारतीय समाज में उत्पादन कार्य में दासों को किसी बड़े पैमाने पर नहीं लगाया गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रोमन समाज के विपरीत प्राचीन भारतीय समाज में उत्पादन कार्य में दासों की किसी बड़े पैमाने पर नहीं लगाया गया था, ओके। इसके बाद है भारत में उत्पादन करने और कर चुकाने का मुख्य भार किसानों, शिल्पियों, वानिकों और कृषि मजदूरों पर रहा, जो वैश्य और शूद्र की कोठी में रखे गए। ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ओके। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है। जो विधवा होती थी जिनके पति मर जाते थे, तो यहाँ पे जो पति का जो संपत्ति होता था वो उनकी पत्नी की होनी चाहिए, ये इनका अधिकार है। इससे संबंधित जो है वो किसने व्याख्या की है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य, ओके याज्ञवल्क्य। देखिए याज्ञवल्क इन्होंने मिताक्षरा की रचना की थी, अभी जस्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि मिताक्षरा की रचना इनके द्वारा ही किया गया था, ओके। और इन्होंने कहा था कि परिवार को संपत्ति के पति और पत्नी दोनों संयुक्त स्वामी होते हैं। कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था। राजशेखर कर्पूर मंजरी के लेखक हैं, ये किसके दरबार में थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है महेंद्रपाल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गुर्जर प्रतिहार शासक थे ये महेंद्रपाल, और इनकी राज्यसभा में ये थे राजशेखर निवास करते थे, और इनके ये राजगुरु भी थे, ओके इनके राजगुरु थे राजशेखर, ये भी आप याद रखेंगे। और इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास, ये सब ग्रंथों की रचना राजशेखर के द्वारा किया गया है। औषधियों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया है, औषधियों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है अथर्ववेद में, अथर्ववेद, ओके अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मौखरी शासक कौन था। महाराजाधिराज की उपाधि इनमें से किस शासक ने धारण की थी ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी, ईशान वर्मा ने, ओके ये मौखरी शासक था ईशान वर्मा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। मंदसौर अभिलेख में जनेंद्र किस शासक को कहा गया है। तो
इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए यशोधरा को। ओके, सॉरी यशोधरा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यशोधर्मन होगा, यशो धर्मन होगा। ओके, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप, ये होगा यशो धर्मन होगा। ठीक है, चीनी राजदूत वांग हुएन से इन्होंने किस शासक के समय में भारत की यात्रा की थी? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आदित्य सेन के शासनकाल में ये भारत आए थे। ओके, आदित्य सेन ये 655 से 75 ईस्वी तक ये रहे हैं, और इन्हीं के समय में चीनी यात्री वांग हुएन से ये आए थे भारत। गौड़ नरेश शशांक के साथ मिलकर किस शासक ने मौखरी नरेश ग्रीवर्मन तथा थानेश्वर के शासक राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवगुप्त। ओके, देवगुप्त ने। गुप्तोत्तर काल में मगध के स्थान पर कौन सा नगर राजनैतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना था? तो ये था कनौज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कनौज। मालवा के यशोधर्मन की मृत्यु के बाद जो है वो आर्यावर्त का शासन मौखरियों के हाथ में चला गया था, और ये गुप्तों के सामंत थे, मौखरी जो थे ये गुप्तों के ही सामंत थे, और इन्होंने कनौज में अपना राज्य जो है वो स्थापित किया, और कालांतर में यह राजनैतिक गतिविधियों का मेन जो है प्रमुख केंद्र बन गया, और यह जो है वो महोदय नगर के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था, महोदय नगर भी इसको कहा गया। कनौज के मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था हरिवर्मा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यह था इसका संस्थापक। और जो मौखरी थे ये बिहार के गया जिला के निवासी थे। तो ये था 20 प्रश्न हमारा गुप्तोत्तर काल का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा, कोई कमी हो वो भी बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करेंगे ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।